Hello everybody! Welcome on RNCC Nursing Online Platform. This is just a short video, but I'm very sure it will give you lots of MCQs. The topic is the strains of commonly used vaccines. Strains of commonly used vaccines. So in this video, firstly we have to learn about what is the simple meaning of strains. So here we will discuss what is the simple meaning of the strains. Strains means. दैक्संस दैट आर दैट वी आर प्रिपेरिंग फ्रॉम द लाइव जो वायरस रहते हैं जब हम लाइव वायरस से वैक्सीन प्रिपेयर करते हैं दैट इज नोन एज द स्ट्रेन एंड दीज आर इंजेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस ये इनको क्या है लाइव जो क्या है वायरस से प्रिपेयर करके देन वी आर एडमिनिस्टरिंग इट इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन दैट आर नोन एज देंस ठीक है जी अभी हम अलग-अलग जो स्ट्रेन्स है फॉर द डिफरेंट वायरस वैक्सींस के लिए दैट वी विल लर्न सो द सबसे पहले जो हमारे पास स्ट्रेन है दैट इज फॉर द वैक्सीन बीसीजी बनिए रहिए इस वीडियो के लास्ट तक क्योंकि हम लर्न करने वाले हैं इन सभी स्ट्रेन्स को विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स ठीक है जी स्मॉल इकोनिम निमोनिक्स की हेल्प से हम क्या है इस वीडियो को इस सारे के सारे जो हमारे हैं उनको लर्न करने वाले बी सी जी बी सी जी के लिए आप लर्न कर सकते हो बी सी डी सो बी सी डी मीन्स दर्टीन थर्टी वन दिस इज द दिस इज द स्ट्रेन रिकमेंडेड बाई द डब्ल्यू एच ओ दैनिश थर्टीन थर्टी वन दिस इज द डब्ल्यू एच ओ रिकमेंडेड स्ट्रेन क्लियर सो विद द हेल्प ऑफ बी सी डी सो द स्ट्रेन नेम इज दिश सो बी सी बी सी उसके बाद डी लगा लीजिए नेक्स्ट स्ट्रेन इज फॉर दी वी ओरल पोलियो वैक्सीन और आईपीवी की तो बहुत ही इजी है आप पोलियो के नेम से ही याद कर लो पी से दैट इज दी वन पी टू एंड दी पी थ्री सो थ्री स्ट्रेन्स आर फॉर दी ओपीवी दैट इज दी पी वन पी टू एंड दी पी थ्री सो होप यू हैव लर्न बोथ ऑफ दी स्ट्रेन फॉर दी बी सी जी

फर्स्ट वन इज द एडमोन्स्टन एडमोन्टोन जैग्रेव नेक्स्ट स्ट्रेन जो क्या है दैट इज दर्ड वन स्ट्रेन जो है हमारे पास दैट इज द मोराटन स्ट्रेन मोराटन स्ट्रेन यहां पे है शव स्ट्रेन एक शवर्ट साइन भी होता है

दट इज फॉर द मम्स सो मम्स की याद करनी थोड़ी सी डिफरेंट है बट हां आई एम वेरी श्योर एक तो आप याद कर ही सकते हो दैट इज दम्स दैट इज दिन स्ट्रेन फॉर द मम्प्स नेक्स्ट ट्रेन दैट वी हैव दैट इज वेरी इजी

नेक्स्ट स्ट्रेन है हमारे पास येलो फीवर की येलो फीवर की सो येलो फीवर की आप याद कर सकते हो इसकी जी 17 डी 17 डी स्ट्रेन है हमारे पास येलो फीवर की सो येलो फीवर की स्ट्रेन कौन सी है हमारे पास 17 डी नेक्स्ट स्ट्रेन दैट वी हैव फॉर दी अच्छा इसको आप थोड़ा येलो फीवर सो so, फीवर के नेम से आप याद करने के लिए लाइक सेवनटीन डी सो कुछ रीडिंग आ रही है है ना जैसे टेम्परेचर की रीडिंग होती है ठीक है नाइनटीन नाइनटी एट सो दिस इज जस्ट रीडिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू फोर रिमेंबरिंग दो सेवनटीन डी मीन्स इट्स लाइक लिटिल विट रिलेटिंग टू द फीवर लिटिल विट रिलेटिंग टू दीडिंग सो येलो फीवर सेवनटीन डी स्ट्रेन इज रिलेटेड टू related to the yellow fever right then moving to the next strain so the next strain that we have the strain number eight that is the varicella ki, varicella so varicella ki hai ji means varicella vaccine it's it's strain you can remember with the help of uh, oka this is the it's

ये है हमारा राउंड राउंड एग यहाँ पे ठीक है सो so यहाँ पे एग के साथ आप के ए लगा दो दैट इज द ओका स्ट्रेन सो विद हेल्प ऑफ दिस वी हैड रिमेंबर दी दी स्ट्रेन फॉर ओका ओका है चिकन ओ से चिकन एंड चिकन से वेरी सेला सो वेरी सेला की हमने स्ट्रेन याद करी है विद द वेरी फनी है ना ओका सो वेरी सेला की है ओका स्ट्रेन दैट इज द चिकन पॉक्स उससे आप थोड़ा रिलेट करके याद कर सकते हो ठीक है आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट कि आप एग्जाम में कहीं भी इसको फॉरगट ना हो आपको ठीक है है नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट ट्रेन दैट इज फॉर दैपनीज जैपनीज एंसेफ्लाइटस के लिए सो यनीज एंसेफ्लाइटस की जब आपके पास तीन चार ऑप्शन आएंगी तो आप इजीली उनको क्या है आइडेंटिफाई कर सकते हो एम वेरी श्योर सो इसको आप याद करोगे स्ट्रेन स्ट्रेन नेक्स्ट है इसकी बीजिंग स्ट्रेन सो ये तो जैपनीज के नेम की तरह ही है आपको पता ही है उनके नेम ऐसे ही कुछ होते हैं ना नेकियामा स्ट्रेन बीजिंग पी थ्री स्ट्रेन एंड वन इज डिफरेंट दैट इज एसे फोर्टीन फोर्टीन टू ठीक है जी ये है स्ट्रेन एक अनदर दैट इज फॉर दैपनीज एंसेफ्लाइटिस जो हम वायरस के लिए यूज करते हैं ठीक है जी सो जैपनीज एंसेफ्लाइटिस वैक्सीन की जो स्ट्रेन है हमारे पास दैट इज द बीजिंग नेकयामा स्ट्रेन

कैलिफोर्निया टू जीरो जीरो नाइन में ये आया था ठीक है तो उसी के जब ये प्रिपेयर हुआ जब ये आया तो तभी ये जब बनी तो उसी से ये टाइम के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या है स्ट्रेन का नेम डाल दिया ठीक है ए सेवन कैलिफोर्निया टू जीरो जीरो नाइन टू थाउजेंड एंड नाइन में जो क्या है स्वाइन फ्लू के बेस इन्होंने क्या है स्ट्रेन का नेम डाल दिया सो so, इजी है नेक्स्ट इजी मलेरिया मलेरिया की भी आप फैलसी पैरम के नेम से ये क्या है याद कर सकते हो ठीक है जी सो पी एफ ट्वेंटी फाइव स्ट्रेन दिस इज फॉर द मलेरिया नेक्स्ट स्ट्रेन दैट इज ऑल्सो फॉर द मलेरिया दैट इज द एस पी एफ यू कैन ऑल्सो रिमेंबर एस पी एफ सिक्सटी सिक्स एस पी एफ सिक्सटी सिक्स इज ऑल्सो फॉर द मलेरिया ठीक है जी सो पी एफ स्ट्रेन Uh, उसके बाद एस पी एफ सिक्सटी सिक्स यू कैन रिमेंबर इट विद द स्ट्रेन दैट इज फॉर द मलेरिया नेक्स्ट स्ट्रेन जो हमारे पास है दॉर द एच आई वी सो एच आई वी के लिए एड्स के लिए जो हमारे पास वैक्सीन प्रिपेयर है दैट इज द मोडिफाइड वैक्सीन मोडिफाइड वैक्सीन अंकारा मोडिफाइड वैक्सीन वैक्सिन सो दिस इज स्ट्रेन फॉर द दी नेक्स्ट इसके लिए एक अनदर जो स्ट्रेन है दैट इज दिसको आप सी टी एल से याद कर सकते हो साइटोटॉक्सिक स्ट्रेन लिम्फोसाइट्स के ऊपर बेस्ड है ये स्पेसिफिकली उसके बाद एड्स वैक्स आ जाता है हमारे पास एक एड्स वैक्स द अनदर जो स्ट्रेन रहती है दैट इज द एड्स वैक्स दैट इज ऑल्सो फॉर द एच आई वी उसके बाद मोडिफाइड वैक्सीन इन अंकारा देन वी ऑल्सो हैव द रिकमेंड रिकमेंट है ना रिकम्बिडेंट टेक्नोलॉजी से जो बनाई गई है दैट स्ट्रेन वी ऑल्सो हैव सो होप यू हैव लर्न ऑल ऑफ दिस स्ट्रेन सो लेट समेराइज ऑल दिस स्ट्रेन सो कौन कौन सी स्ट्रेन हमने कर ली है लास्ट एट लास्ट वी है एच आई वी स्ट्रेन एच आई वी के लिए एड्स अंकारा ठीक है साइटोटॉक्सिक दैट आर लिम्फोसाइड्स वेस्ट मलेरिया के लिए फेलसीपैरम पी एफ है ना इससे हम याद कर सकते हैं स्वाइन फ्लू की कैलिफोर्निया बिजिंग एस ए फोर्टीन फोर्टी एंड अनदर इज दामा स्ट्रेन दैट इज फॉर द जैपनीज एनसेफ्लाइटस ओपका स्ट्रेन बहुत ही अच्छी तरह से हमने याद कर लिया वेरीसेला के लिए येलो फीवर के लिए फीवर का थोड़ा है ना रीडिंग से 17 डी रुवेला की आर से ही थी मम्स की थोड़ी डिफरेंट है जीराइले उसके बाद मीजल्स की तो मोस्ट कॉमन एडमोनशन है बाकी तीन कर लिए हमने नेक्स्ट ओरल पोलियो वैक्सीन की पी वन पी टू थ्री एंड पी बी सी जी के लिए बी सी डी सो ये थी हमारी सारी की सारी जो स्ट्रेन कॉमनली यूज फॉर दैक्सिज हैं ठीक है होप यू गाय अंडरस्टूड एंड लर्न ऑल दिज स्ट्रेन सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है और किसी में मतलब स्ट्रेन में या किसी और वैक्सीन के लिए आप चाहते हो स्ट्रेन बताना देन टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन आई विल प्रोवाइड अनदर अदर स्ट्रेन बिकॉज दिस इज जस्ट दास्ट टॉपिक देर आर द लोड्स ऑफ अनदर जो हमारे वैक्सीन्स भी हैं if you want uh, guy wanna know another strains then tell me in the comment section i will provide you thank you